दोस्तों जय हिंद। सैनी स्कूल का जो रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है उसमें आगे का जो प्रोसेस है उसमें ई काउंसलिंग की जाएगी। ई काउंसलिंग का जो प्रोसेस कई पेरेंट्स को या बच्चों को समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से इसको बताऊंगा कि ई काउंसलिंग में आपको करना क्या है। सबसे पहले आप NTA की वेबसाइट पर जाएंगे या अपना स्कोर कार्ड जब खोलेंगे तो वहाँ से ई काउंसलिंग का एक लिंक खुलेगा जिस पर इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। उस पर आपको जाके बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको स्कूल की चॉइसेस भरनी है। उसमें टोटल 10 स्कूल आपको चॉइस मांगा जाएगा। पहला चॉइस उसमें होगा जो आपने पहले जब फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम जो दिया था। उसके अलावा 9 स्कूल और आपको चूज करके उनको लॉक करना है ताकि जो फर्स्ट राउंड होगा काउंसलिंग का उसमें वो 10 स्कूल के लिए आपके बच्चे का नाम कंसीडर करेंगे। और अगर वो उसमें काउंसलिंग में वो सेलेक्ट होता है बच्चा तो वो स्कूल से आपको कॉल आएगी। कॉल में आपको वो मेडिकल टेस्ट के लिए बुला देंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। जो मेडिकल भी फिट होगा या डॉक्यूमेंटेशन जिसके पूरे होंगे वो फाइनली सेलेक्ट हो जाएगा उस दैनिक स्कूल के लिए। और जो सीटें बचेंगी उसको सेकेंड राउंड में इस्तेमाल करेंगे। तो एक सेकेंड राउंड भी हो सकता है जो मोस्ट लाइकली अप्रैल में होगा, अप्रैल के बाद होगा, क्योंकि 1 अप्रैल तक उन बच्चों को स्कूल ज्वाइन करना है। फिर जो वैकेंसी बचेंगी या कोई खाली सीट रह गई है उसके लिए सेकेंड राउंड लिया जाएगा। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ किस प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले आप यहाँ साइन इन करेंगे या न्यू रजिस्ट्रेशन भी दबा सकते थे। इस पेज पे आप देखोगे यहाँ पे है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो इस न्यू रजिस्ट्रेशन को आप क्लिक करते हो तो सबसे पहले आपका मांगेगा यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर जो आपने फॉर्म अप्लीकेशन के टाइम जो मिला था आपको, तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ एक डेमो। ये एप्लीकेशन नंबर आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे इसका एप्लीकेशन नंबर है 2318016458। जब आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करने के बाद आपके मोबाइल पे या ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा। वो OTP को आप उसमें डालेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा जिस पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो मैंने इसका ऑलरेडी कर रखा है तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन के लिए यूजर नेम आपको इसमें फिल करना है। यूजर नेम सेम आपका आईडी रहेगा जो एप्लीकेशन नंबर है वो, और एक पासवर्ड डालना आपको यहाँ पे। पासवर्ड में एक जो भी आप चूज करो कम से कम 8 लेटर का हो, एक अपर केस और उसमें @ या कुछ ऐसा एक आपको स्पेशल कैरेक्टर भी डालना है। तो ये मैं एक लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको। इसके बाद आपको पासवर्ड डालना है। ये इस प्रकार से आपका एक डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड में आपकी प्रोफाइल होगी, इसमें ये बच्चा है विकल्प कुमार, इसकी पूरी डेट ऑफ और भी दे रखा है, ऑल इंडिया रैंक कितना है, और फिर आपका नेक्स्ट जो है वो दैनिक स्कूल आपको चूज करने। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप कौन से स्कूल में कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 10 स्कूल इसके लिए चूज किए हैं या इस बच्चे ने किए हैं। ये 10 स्कूल के नाम आप यहाँ पर देख सकते हो और ये 10 स्कूलों में बाद में उसको लॉक करना है, उसको आपको लॉक कर देना है ताकि 13 तारीख तक जो ये फिल हो जाएंगे उसके बाद जो है इनकी काउंसलिंग होगी। तो 13 तारीख से पहले पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है और सारे जो 10 स्कूल हैं आपको वो चूज करने हैं। तो आप कोशिश करें किस स्कूल में वैकेंसी ज़्यादा है या कौन सा आपके
हिसाब से आपके बच्चे के लिए सूटेबल स्कूल है वो आप चॉइस इसमें भर सकते हैं, और 10 के 10 स्कूलों में आपके बच्चे का काउंसलिंग के लिए सबमिट हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर है जो ई काउंसलिंग आपको करनी है। इससे अदर आपका कोई अगर डाउट है तो आप मैं नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, आपकी क्यूरी का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।